रीढ़ की हड्डी की चोट या स्पाइन इंजरी जिसको बहुत ही एक घातक चोट माना जाता है, क्योंकि जिसको भी चोट होती है अगर तो वो या तो पैरालिसिस होता है, पालिज हो जाता है, या दोनों हाथ दोनों पाँव में, या सिर्फ टांगों में या हाथ में। ये पालिज पूरा भी हो सकता है, अधूरा भी हो सकता है, जिसको हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट इंजरी बोलते हैं। इसके इलाज कभी आज तक संभव नहीं हो पाए, क्योंकि स्पाइन एक बार डैमेज हो जाए तो दिमाग का सिग्नल शरीर तक पहुंचना बंद हो जाता है। स्पाइन उसका एक रास्ता है सिग्नल कैरी करने का भी, तो स्पाइन एक जरिया है अपनी बात कहने का भी दिमाग का, बॉडी के साथ। अब कुछ नए तरीकों से इसका इलाज मुमकिन है। मरीज का खुद से अपनी टांगों में ताकत बढ़ा पाना, बेहतर चल पाना मुमकिन है। अगर किसी की चोट इनकम्प्लीट है या कुछ ताकत बची है, चाहे वो 5% ताकत हो हाथों या पैरों में, उनको बिना किसी ऑपरेशन के रोबोटिक टेक्नोलॉजी से दोबारा चलने की कोशिश कर सकते हैं। और काफ़ी बार और जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनको फ़ायदा मिलता है। काफ़ी मरीज हैं जो बिल्कुल व्हीलचेयर से अब एक सहारा लेकर लेकिन लंबा टाइम चल सकते हैं, अपना काम वापस को शुरू कर सकते हैं। जिन मरीजों को कंप्लीट इंजरी है, जिनमें मान लीजिए कि इतनी गंभीर चोट है कि कंप्लीट पैरालिसिस हो गया, जैसे कमर में चोट लगी और दोनों टांगें पूरी तरह से काम नहीं कर रही, तो उसको पहले उस तरह से इलाज करना है कि वो कुछ हरकत वापस आ जाए, कुछ कदम उठना वापस आ जाए, और उसके बाद फिजियोथेरेपी और रोबोटिक टेक्नोलॉजी की मदद से उस चाल को और बेहतर किया जाए। उस इलाज को बोलते हैं एपिडर्ल स्टिमुलेशन। आम भाषा में बोले तो एक स्पाइनल कॉर्ड में जो हिस्सा चलने का सेंटर है उसमें एक चिप लगाते हैं, कंप्यूटर चिप की तरह, उससे बैटरी का एक सोर्स इसको पेसमेकर बोलते हैं, वो जोड़ा जाता है, और बाहर रिमोट की सेटिंग से वो करंट डाला जाता है उसमें, जो शरीर को जिसको ब्रेन पहचानता है कि चलने का करंट है। जो भी मूवमेंट इसमें होती है, जो भी हरकत होती है, वो आपकी अपनी मर्जी से होती है, दिमाग के अपने सोचने से होती है, ऑटोमेटिक नहीं होती है। पहले उसको मूवमेंट में बदला जाता है, जहाँ बिल्कुल फालिश है, फिर मूवमेंट को चाल में बदला जाता है, फिर उस पर प्रैक्टिस करना पड़ता है, और उसमें धीरे धीरे फिर सेंसेशन वापस आना शुरू होते हैं कि आपको जैसे ज़मीन मालूम नहीं पड़ती, आप छू तो महसूस नहीं होता, उसमें फ़ायदा मिलता है। और बहुत सारे लोगों में, 70-80% लोगों में जिनको स्पाइन इंजरी है, ब्लैडर बाउल जिसको बोलते हैं, यूरिन और स्टूल का कंट्रोल, वो बिगड़ जाता है। ये इसका फ़ायदा उस चीज़ में भी मिलता है, अगर वो यूरिन और स्टूल का कंट्रोल इस टेक्नोलॉजी से बेहतर कुछ हद तक भी हो जाए और कमी रह जाए, तो उसके लिए खास इलाज और से होते हैं, इसको सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन बोलते हैं, जिसमें कि लैट्रिन पेशाब की नस, यूरिन स्टूल की नर्व को हम स्टिमुलेट करके वो ताकत वापस करते हैं।